अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हुरम शबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दानी सलीम। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिएक्शन दिया है खुलना रेलवे स्टेशन पे, तो मैं तो काफ़ी वो रेलवे स्टेशन पसंद आया है। जी भीड़ भाड़ थी नहीं इतनी, तो मैं नहीं अंदाजा कि जी वहाँ पर बिल्कुल कितनी ट्रेनें आती जाती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन तो उसने बताई नहीं थी। लंबा तो काफ़ी ज़्यादा था, हाँ, लेकिन काफ़ी बड़ा रकबा एरिया दिखाई फैला वो हुआ था, कुछ उसके बारे में मुकम्मल डिटेल नहीं मिली। तो कुछ बांग्लादेशी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था बोर्ड पर, तो वो हमें जी से पढ़ा नहीं गया कि स्टेशन क्या। के कुछ नाम हाँ, लिखे कुछ होंगे। नाम वगैरह लिखे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो पोल पे वीडियो लगी हुई थी उसके मुताबिक, तो दोस्तों आज हम रिएक्शन देने वाले हैं व्हाई बांग्लादेश इकोनॉमी बूमिंग देन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से बताया गया है, क्योंकि हम तो ये तो जानते हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा कर ग्रो हो रही रही है है, जी तो उसमें तो हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, और बिल्कुल इंडिया के भी हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हैं, उसमें भी हमें जी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में मिली है और बांग्लादेश के बारे में भी काफ़ी कुछ जी जान चुके हैं। काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स दोनों मुल्कों में तैयार हो रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं कि इस वीडियो में कितना मुख्तलिफ बताया गया है जो हम उस पहले वीडियो में रिएक्शन दे चुके जी हैं, और क्या वजह है कि बांग्लादेश इतना फास्ट ग्रो कर जी रहा है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर इस पर आपको रिव्यू देते और हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे। '71 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला है। भयावह गरीबी, प्राकृतिक आपदा और अब दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है। 7,50,000 रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी म्यांमार से अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद बांग्लादेश अपनी आर्थिक सफलता की नई इबारत लिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश तेजी से प्रगति कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। हाल के एक दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था औसत 6% की वार्षिक दर से आगे बढ़ी है। साल 2018 जून महीने में यह वृद्धि दर 7.86% तक पहुंच चुकी थी। 1974 में भयानक अकाल के बाद 16.6 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। इस साल प्रति व्यक्ति आय $1,750 हो गई। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन $1.25 में अपना जीवन चलाने वाले कुल 19% लोग थे, जो अब 9% ही रह गए हैं। शेख हसीना लगातार तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश हाल के वर्षों में एशिया के सबसे सफल देशों में से एक उभर कर सामने आया है। एक वक्त था जब बांग्लादेश पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका था। 1971 में आज़ादी के बाद भी बांग्लादेश भीषण गरीबी में रहा। 2006 के बाद से बांग्लादेश की तस्वीर से धूल छटने लगी और तरक्की की रेस में पाकिस्तान से वह आगे निकल गया। बांग्लादेश की वार्षिक जीडीपी दर पाकिस्तान से 2.5% आगे निकल गई। जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बासु का कहना है कि बांग्लादेश विकास दर में भारत को भी पीछे छोड़ देगा। बांग्लादेश की आबादी 1.1% दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान की 2% दर से बढ़ रही है। इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ रही है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में बांग्लादेश में जिन लोगों का बैंक खाता है उनमें से 34.1% लोगों ने डिजिटल लेन देन किया, जो दक्षिण एशिया में औसत 27.8% से ज्यादा है। भारत में ऐसे लोगों की तादाद 48% है जिनके पास बैंक खाते तो हैं लेकिन उससे कोई लेन देन नहीं करते। ऐसे खातों को डॉर्मेंट अकाउंट यानी निष्क्रिय खाता कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ऐसे लोग महज 10.4% हैं। इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश के लिए वो पल काफी निर्णायक रहा जब संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को अल्प विकसित देश की श्रेणी से निकालकर 2024 में विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा करने की बात कही। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल पर शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अल्प विकसित श्रेणी से बाहर निकलना हमारे आत्मविश्वासों और उम्मीदों की मजबूती के लिए बेहद खास है। यह न केवल नेताओं के लिए बल्कि यहाँ के नागरिकों के लिए भी अच्छा है। एक बार जब आप उस श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं तो किसी दया की नहीं बल्कि अपनी क्षमता के दम पर आगे बढ़ते हैं।
ज्यादातर मोर्चों पर बांग्लादेश प्रदर्शन के मामले में सरकारी लक्ष्यों से आगे निकल चुका है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश का प्रभुत्व दुनिया भर में जाना जाता है। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15-17% की दर से आगे बढ़ रहा है। 2018 में जून महीने तक कपड़ों का निर्यात $36.7 अरब तक पहुंच गया। हसीना का लक्ष्य है कि साल 2019 तक इसे $39 अरब तक पहुंचाया जाए और 2021 में बांग्लादेश जब अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाए तो यह आंकड़ा $50 अरब तक पहुंच जाए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से जो ये पैसा कमाकर भेजते हैं उसमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है और साल 2018 में $15 अरब तक पहुंच गया। 2009 में शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश लॉन्च किया था ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी पांव पसार रहा है। ढाका के CEO भारत के IT सेक्टर से सीख उसे टक्कर देना चाहते हैं। भारत दवाइयों के निर्माण में भी काफी आगे है और बांग्लादेश अपने पड़ोसी को इसमें भी टक्कर देने की मंशा रखता है। बांग्लादेश की सरकार देश भर में 100 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार करना चाहती है। इनमें से 11 बनकर तैयार हो गए हैं और 79 पर काम चल रहा है। बांग्लादेश बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री फैसल अहमद बड़ी आबादी को अपने मुल्क की तरक्की में काफी लाभकारी मानते हैं। फैसल ने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि सघन आबादी के कारण सोशल और इकोनॉमिक आइडिया को जमीन पर उतारने में काफी मदद मिलेगी। बांग्लादेश की सियासत में दो महिलाओं शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का प्रभुत्व रहा है। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तब दोनों ही नेताओं के परिवारों की बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका रही। पिछले 3 दशकों में दोनों महिलाएं सत्ता में आती जाती रही हैं। इसके साथ ही दोनों जेल में भी रहीं। 1981 से शेख हसीना सत्ताधारी अवामी लीग पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। इस पार्टी का गठन उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। रहमान देश के पहले राष्ट्रपति थे। 1975 में सेना के कुछ लोगों ने रहमान और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी थी। अवामी लीग पिछले 10 सालों से सत्ता में थी। कई लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी की जीत से विकास को और रफ्तार मिलेगी। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराता है। कपड़ा उद्योग से बांग्लादेश में 40.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2018 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड कपड़ों का योगदान 80% था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश को दुनिया के कई देशों से कड़ी टक्कर मिल रही है। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले 5 सालों में 4,560 करोड़ की फैक्ट्रियों में से 22% कम हुए हैं। बांग्लादेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि शेख हसीना ने पिछले 9 सालों के शासनकाल में FDI 3 गुना बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2008 में FDI $96.1 करोड़ से बढ़कर इस साल जून में $3 अरब तक पहुंच गया। हालांकि यह बाकी के एशियाई देश वियतनाम और म्यांमार से कम ही है। बांग्लादेश में व्यापार करना कितना आसान है इस मामले में इसकी रैंकिंग बहुत ही खराब है। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापारिक सुगमता के मामले में बांग्लादेश की रैंकिंग 190 देशों में 176वें नंबर पर रखी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश IT सेक्टर में भारत से मुकाबला करने की महत्वाकांक्षा रखता है। सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्नो हेवन और बांग्लादेश एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के सह संस्थापक हबीबुल्लाह करीम ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि बांग्लादेश में इस साल 30 जून तक IT सर्विस और सॉफ्टवेयर का निर्यात $80 करोड़ तक पहुँच गया और इस वित्तीय वर्ष में यह $1 अरब के पार चला जाएगा। सरकार ने 2021 तक इसका लक्ष्य $5 अरब रखा है जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। दुनिया भर में जेनरिक दवाइयों के निर्माण में भारत का नाम है लेकिन बांग्लादेश इस क्षेत्र में चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अल्प विकसित देशों का दर्जा होने के कारण बांग्लादेश को पेटेंट के नियमों में छूट मिली हुई है। इस छूट के कारण बांग्लादेश जेनरिक दवाइयों के निर्माण में भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश जेनरिक दवाइयों के निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और 60 देशों में इन दवाइयों का निर्यात कर रहा है। चीन बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्टों में आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है।
चीन पद्मा नदी पर $4 अरब का एक ब्रिज रेलवे लाइन बना रहा है जो मुल्क के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी इलाकों को जोड़ेगा। चीन ने बांग्लादेश को $38 अरब का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन भारी कर्ज मुहैया कराने के कारण आलोचना झेल रहा है कि छोटे देशों को कर्जों के दुष्चक्र में फंसा रहा है। ऐसा श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए कहा जा रहा है, हालांकि बांग्लादेश में इस आलोचना को लेकर बहुत हलचल नहीं दिखती। 2018 में चीन ने बांग्लादेश के ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% हिस्सा खरीद लिया था। इसे खरीदने की कोशिश भारत ने भी की थी, लेकिन चीन ने इसकी ज्यादा कीमत चुकाई और भारत के हाथ से यह सौदा निकल गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद चीन से सैन्य हथियार खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। शेख हसीना भी इस बात को मानती हैं और चीन इस मामले में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश कई मोर्चों पर न केवल पाकिस्तान से आगे निकल चुका है बल्कि भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। बाल मृत्यु दर, लैंगिक समानता और औसत उम्र के मामले में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2013 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $914 थी, जो 2016 में 39.11% बढ़कर $1,355 हो गई। इसी अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति आय 13.80% बढ़ी और $1,706 तक पहुंची। पाकिस्तान में इसी अवधि में 20.62% की बढ़ोतरी हुई और $1,462 तक पहुंच गई। कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश इसी गति से प्रगति करता रहा तो साल 2020 में भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, वीडियो हमने देख लिया है और इसमें बीबीसी न्यूज हिंदी की तरफ से जो बताया गया है वो काफी अच्छी तरह इसमें बताया गया है कि उस पुराने वक्त से लेकर जब से बांग्लादेश का अलग आजाद हुआ है, बांग्लादेश अलग मुल्क बना है, तो तब से लेकर अब तक जो इसमें ज्यादा तरक्की हुई है वो उसके बारे में बता रहे थे, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसे कैसे मराइल से बांग्लादेश को गुजरना पड़ा है और काफी गरीबी से लेकर अब काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। 2006 तक काफी गुर्बत इसने काटी है बांग्लादेश में। इसके बाद जब शेख हसीना आई है तो इसने वाकई बांग्लादेश का रुख बदल दिया है, रुख बदल दिया है, चेहरा बदला दिया है बांग्लादेश का। काफी सारे वो कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में लाभ खड़ा कर दिया है। तो इसने काफ़ी वो जैसे कि बता रहा था कि जो कि हमने पहले भी रिएक्शन में देख चुके हैं, जो हमने 2030 के हवाले से वीडियो बनाई थी उसमें भी हमें पता चल चुका है कि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तरक्की कर रहा है और दूसरा आईटी के मामले में काफ़ी आगे जा रहा है और तीसरे नंबर पर जो उसकी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है मेडिसिन के हवाले से, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो उनका बजट बन चुका है इस वक्त। बिल्कुल काफ़ी मेडिसिन के हवाले, हाँ काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि 170 करोड़ था पहले उसका बजट, तो अब उसका बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया जी। तो फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल आने वाले साल में जो काफी ज्यादा 2020 तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और काफी ज्यादा बांग्लादेश तरक्की कर रहा है काफी मामलों में, इंडिया और पाकिस्तान से काफी मामलों में आगे है जी। और कई मामलों में इसमें जो बताया है ज्यादातर पॉइंट वो काफी अच्छे बताए हैं जी। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी हम जान चुके हैं कि 40 लाख रोजगार लोगों को मिल चुका है, 40 लाख लोगों को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि और जो बांग्लादेश के बांग्लादेशी लोग जो रहते हैं बाहर मुल्कों में, जैसे सऊदी अरब, दुबई वगैरह, यहाँ फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो भी जो अपनी तनख्वाह होती है भेजते हैं डॉलरों की सूरत में, दिरहम की सूरत में, तो उसके जरिए भी इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है बांग्लादेश की, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसने बताया है कि उसके जरिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है बांग्लादेश की इकॉनमी में उसकी वजह से भी। तो दोस्तों, जैसे कि चाइना भी मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, तरह तरह के जो प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं बांग्लादेश में, हेल्प कर रहे हैं अपने साथ मुल्क की, ये तो अच्छी बात है। जैसे कि पद्मा ब्रिज में 4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी, तो ये एक अच्छी बात है कि इतना चाइना भी साथ दे रहा है, इंडिया भी बांग्लादेश के काफी मामलों में साथ दे रहा है, रूस भी दे रहा है, हाँ रूस भी दे रहा है काफी, जो हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका काफी, बल्कि ज्यादातर ऐसा तो रूस का ही है जी। तो फिर इंडिया भी मदद कर रहा है दूसरे नंबर पर और फिर बांग्लादेश खुद से भी कुछ कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि बांग्लादेश के इकॉनमी इतनी काफी जरिए से बढ़ रही है। और काफी ज्यादा जो हमने एक वीडियो में देखा था कि उसने बताया था, जो हमने पहले रिएक्शन दिया था उसमें बताया गया था कि 2042 तक बांग्लादेश काफी डेवलप कंट्री मुकम्मल बन जाएगा। और जो ये साफ सारे मुल्क कर्ज वगैरह दे रहे हैं, ये जैसे कि प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद उतर जाएगा, हाँ ये तो मुकम्मल उनका एक किस्म का साफ हो जाएगा ना, अपने फिर अपने पैरों पर बांग्लादेश मुकम्मल खड़ा हो जाएगा।
तो दोस्तों हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी वीडियो है ये भी, और हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है इतना सब सुनकर इस बांग्लादेश के बारे में, जी क्योंकि हमें तो ज़्यादातर बातें थी वो मालूम थी, लेकिन इसने सिर्फ बस वजाहत की है कि कैसे कैसे बांग्लादेश ने हालात किए देखे हैं, और फिर बिल्कुल आप कैसे हालात देख रहा है जी और आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो दोस्तों हमें तो इसकी वीडियो काफ़ी पसंद आई है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास ज्यादा से जल्द पहुंच रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Raindrops drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the front pot.